वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये अगेन मेरा मीशो का पैकेज है, मैंने बहुत थोड़ा रिसर्च करके इसको मंगाया है। तो जैसे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, और हम ईयरबड्स यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए अपने डेली रूटीन के लिए। तो मैंने अपने चैनल पर नेक बैंड का अनबॉक्सिंग नहीं किया था अभी तक किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी ब्रांड का। तो किसी ब्रांड का मैंने अभी तक नेक बैंड यूज़ नहीं किया है, ना ही अनबॉक्सिंग किया है। तो ये फ़िलहाल एक ब्रांड नहीं है, बट ये लोकल है क्योंकि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मैं प्राइस मेंशन कर दूंगा। और ये मुझे कुछ 500 भी नहीं, 300 समथिंग कुछ पड़ा है। तो 300 का ये नेक बैंड है। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो एक प्लास्टिक था, फिर एक बॉक्स था, और यहाँ पे है ये नेक बैंड। अगेन एक प्लास्टिक का ही पैकेज है। तो इट्स यहाँ पे लिखा है नेक बैंड मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज वायरलेस नेक बैंड, ऊपर एक जिप है। और इसके अंदर तो यहाँ पे कुछ लिखा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बस एक कागज़ है। तो ये बहुत ही लोकल ब्रांड है। तो ऑन द कॉल पर रहते हैं नेक बैंड के बीच। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए इस पर इन्होंने एक्चुअली लिखा हुआ है, तो हम इसे देखेंगे कैसे चलता है। तो इसके अंदर एक ईयर टिप इसका गिरा है कि क्या, ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप मिलते हैं इसके अंदर, जो कि ब्लैक कलर के हैं। अगर आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये ब्लैक कलर के ईयर टिप एक्स्ट्रा मिले हैं। तो अगर ये गुम जाते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा नेक बैंड। जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, ऐसे कुछ इसे आप पहन सकते हैं। तो ऐसे कुछ दिखने वाला है। और ये इन ईयर है, तो मुझे बात ही ज़्यादा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो कंफर्टेबल है। तो ये नेक बैंड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, पीछे देख सकते हैं आप ट्रांसपेरेंट है, और आगे यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है। काफ़ी कूल डिज़ाइन है, दिखने में तो काफ़ी कूल है। और यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे 3 बटन है प्लस माइनस। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो हम चेक करेंगे, जो है वॉइस चेंजर का। तो इसमें आप आवाज़ बदल बदल के भी सामने वाले से बात कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी अननोन पर्सन को कॉल करना है, किसी के साथ प्रैंक करना है, वो सारी चीज़ें भी आप इस हेडफोन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम उसे भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो चेक करेंगे, म्यूज़िक गाने वाने सुन के। तो वो सब चेक करने के बाद हम उसका फीचर चेक करेंगे कि जो इसमें 4 वॉइसेस मिली हैं वो कैसे काम करती है और वो सुनने में मज़ा आएगा। तो चलिए पहले इसे कनेक्ट करता हूँ, मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, फिर यहाँ पे हम जाते हैं ब्लूटूथ अदर डिवाइसेस, ट्रांसपेरेंट करके इसका नाम आता है। तो ये कनेक्ट हो गया है। ओके, तो ये फिट हो गया है काफ़ी अच्छे से। लेट्स हियर सम म्यूजिक। बिले में गए 300 रुपये के हिसाब से इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे महंगे भी हेडफोन्स आते हैं, बहुत सारे महंगे नेक बैंड्स भी आते हैं,
उसके कंपैरिजन में प्राइस के हिसाब से इसकी आवाज में आपको बेस इतना नहीं मिलेगा, ट्रेबल ज़्यादा है और इसके हाई वॉल्यूम पे भी अच्छा साउंड है, मतलब एक एवरेज, क्योंकि ये जो लेने वाले हैं बहुत ही सिंपल यूज़र लेंगे, जिनके पास बजट कम है, जो ज़्यादा हाई प्रेफरेंस पे नहीं जाते, जिन मतलब जिनको एक काम चलाना है कि ये चलो मुझे चाहिए, और वो डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, वो नहीं उठा सकते या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो ये हेडफोन उनके लिए सही है। अब बैटरी बैकअप ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कितना मिलेगा क्या होगा कुछ इसकी गारंटी नहीं है, कितना चलेगा, बस ये नॉर्मल यूज़ के लिए है, तो उसके हिसाब से ये ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि आप गाने वाने सुन सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा फीचर है अब हम वो टेस्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसका जो फीचर मैंने बताया था, इसमें 3-4 आवाज़ मिलती है आपको, जिसके थ्रू आप आवाज़ चेंज करके भी बात कर सकते हैं सामने वाले से। तो मैं कॉल लगाता हूँ और हम चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी। तो ये मैंने कॉल लगा दिया है, ये है स्पीकर पे, तो ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये मेरी आवाज़ है। तो अब क्या करना है, ये जो बटन है यहाँ पे बीच में, इसको डबल बार प्रेस करना है। तो अब मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। तो ये आप सुन सकते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी, जो मेरी आवाज़ कुछ अलग आ रही है बुड्ढे जैसी। अब ये दूसरी तो अब ये दूसरी आवाज़ है, जैसे आप सुन सकते हैं मेरे ख्याल से। और ये एक लड़की की आवाज़। तो आप सुनिए और बताइए आपको कुछ फर्क पता चल रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से काम करता है। फिलहाल मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा आपने सुना, इसमें कुछ 4 आवाज़ें हैं, बच्चे की आवाज़, बुड्ढे की आवाज़, औरत की आवाज़। तो ये आवाज़ सिर्फ लेकिन आपकी कॉल पे ही काम करेगी, ऐसा नहीं कि आपने वॉइस रिकॉर्ड किया और भेज दिया, ऐसा तो फिलहाल इन्होंने मेंशन नहीं किया है जो बुकलेट दी है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो बैटरी है कुछ पता नहीं कितना चलेगा क्या होगा, और इसकी कोई वारंटी नहीं है, बहुत ही लोकल प्रोडक्ट है। तो उसके हिसाब से जैसा मैंने बताया आपको, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, बजट के हिसाब से 300 रुपये में मिल रहा है। तो आप मीशो पे ये प्रोडक्ट ज़रूर चेक कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। अगर सामने वाले से आप बात कर रहे हैं और आपको दूसरी आवाज़ में बात करनी है, थोड़ा फ़र्क दिख रहा है, मतलब उतना भी एकदम एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि वो आवाज़ उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से लिखा है, जैसे बच्चे की आवाज़ हो गई, बुड्ढे की आवाज़ हो गई, औरत की आवाज़ हो गई, थोड़ा सामने वाला पकड़ ही लेगा, बट एक टाइम के लिए आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मीशो पे ये प्रोडक्ट आप ज़रूर से चेक करें, ऐसी हम एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।